बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं। सुबह के 9 बज गए और अभी मैं नहा धो के मतलब फ्रेश हो गई हूँ। जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा, मैं नहाई, उसके बाद मैंने कपड़े सुखा रही थी मैं बाहर। तो अभी मौसम मतलब ना धूप है ना मतलब बारिश है, पत्नी अजीब सा मौसम हुआ है कुछ दिनों से, दो तीन दिन से मौसम ऐसा गंदा हुआ है। तो अभी ब्रेकफास्ट में बनाया हमने आज आलू की सब्जी और चपातियाँ। आलू मैंने सुबह बॉयल करने को लगा लिए थे, उसके बाद मैंने आलू तड़का वगैरह लगाया, सब्जी बना ली थी। तो उसका तबू ने आटा वगैरह गूंदा और मैं नहाने चली थी, तो फिर तबू ने चपाती बना ली थी। तो अभी तबू ने तो ब्रेकफास्ट कर दिया क्योंकि मैं नहा रही थी, तो और मेरे को कपड़े धोने में भी टाइम लगना था, तो फिर मैंने बोला कि तू कर दे, तो उसने ब्रेकफास्ट वगैरह कर दिया। तो मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, उसके बाद दिखाऊंगी आपको मौसम। और इतना गंदा हुआ है ना महाराज मौसम, पता नहीं मतलब दो तीन दिन से ना ही अच्छी धूप लग रही है ना ही बारिश आ रही है, मतलब ऐसी ठंड ठंड भी हो रही है, पर मौसम का कुछ पता ही नहीं कि मौसम क्या चाहता है, क्या कर रहा है, कुछ भी पता नहीं। चलो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ पहले, उसके बाद मिलूँगी आपसे। तो ये रहा मेरा खाना। अब मैंने बनाएंगे आलू आलू कड़ी, मतलब दही बची थी तो मैंने इसमें दही डाल दी, और ये रही मेरी चपाती, और ये चावल पिछले कल के बचे, तो मैंने सोचा कि इनको भी खा लेते तो वेस्ट हो जाएंगे। और मैंने प्याज लिया है थोड़ा सा क्योंकि दही नहीं है, तो मैंने सोचा प्याज से ही काम चला लेती हूँ। तो मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मिलूँगी आपसे। इसको बोलते हैं धूप, ना मात्र धूप। और यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ कोई डेकोरेशन हुई है कल से परसों से, दो तीन दिन से हो रही है कंटिन्यू, और कल यहाँ पर लाइट भी लगी थी आगे को। तो फिर हम सोच रहे हैं कि क्या है यहाँ पर, क्या है, क्योंकि जो ये घर है ना, एक तो रिपेयर भी नहीं है अच्छे से, मतलब कुछ भी तैयार वगैरह नहीं हुआ है, तो हम ऐसे कैसे फंक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर। पता नहीं कोई फंक्शन तो हो रहा है यहाँ पर, ये नहीं पता कि कौन सा फंक्शन हो रहा है। और मैंने कल इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाली थी, तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि कौन सा फंक्शन हो रहा है, कौन सा, मुझे खुद ही नहीं पता कौन सा फंक्शन हो रहा है, बस मैंने ऐसे ही डाल दी थी, लाइट वगैरह लग रही थी बहुत सुंदर, तो मैंने सोचा कि स्टोरी डाल देती हूँ, तो मैंने ऐसे डाल दी। अगर कुछ फंक्शन होगा, अगर हमको पता लगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। तो अभी ना यहाँ पर इतनी अच्छी धूप आ रही है ना, हाय मज़ा आ रहा है बैठ के। मैं थोड़ी देर धूप में बैठूँगी, उसके बाद जाऊँगी रूम में, क्योंकि बड़ी मुश्किल से धूप लगी है इतनी अच्छी वाली। देखो तो अभी तक मौसम ख़राब था और एकदम से भी मौसम अच्छा हो गया, और सूर्य देवता भी आ चुके हैं। तो अभी टाइम हो गया है 3:48, और अभी आए हम बाहर, और यहाँ पर इतनी अच्छी हवा लगी है ना, बहुत अच्छी हवा लगी है, और दिन भर आज बहुत अच्छी धूप थी, अभी थोड़ी देर पहले धूप भी चली गई और अभी हम बाहर आए हैं, क्योंकि हमको ना पूपू की आवाज़ सुनाई, मतलब चाट वाली की आवाज़ सुनाई आ रही थी, तो हमने सोचा कि ना हम भी खाए चाट, तो हम बाहर आ गए। अभी वो भैया यहाँ आगे वाली बिल्डिंग में है, जब हमारी बिल्डिंग के साथ आएंगे ना नीचे तो जाएंगे दूसरी तरफ को, देखते हैं कैसा चाट बनाते हैं वो अगली तरफ से मार। और ये रही हमारी हीरोइन, और अभी जा रहे हैं चाट खाने। और ये रही हमारी यमी यमी चाट, पानी आ रहा है मुझे तो। तो अभी टाइम हो गया है, शाम के 6 बज गए, और अभी आए हम टेरेस पे थोड़ा घूमने, क्योंकि रूम में आके बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, तो हमने सोचा थोड़ी देर हम टेरेस पे आते, और यहाँ पर भी बहुत अच्छी हवा लगी है। देखो पहाड़ देख देता कहाँ पर है, वाह 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 वाह। और यहाँ देखो जहाँ पर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पर, जैसे तो यहाँ पर कोई देवता जी जा रहे कि आ रहे हैं, जा रहे है वे? और उसके और यहाँ देखो दीप्ता जी जा रहे हैं, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, यहाँ पर जैसे दिख रहे हैं,
वे फिंगर नहीं करते, सॉरी। अच्छे से नहीं दिख रहे, कहाँ जा रहे उन्हें। और यहाँ से भी कितनी सुंदर लग रही है, और ये फर्स्ट वाली लाइट ना कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है, देख रही। और पता नहीं कौन सा फंक्शन है, पर मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। कितने दिन से डेकोरेशन हो रही है, कौन सा फंक्शन होगा, कैसा फंक्शन होगा, मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है कि कब बताएं, कब लगेगा पता कि कौन सा फंक्शन हो रहा है, क्योंकि 3-4 दिन से डेकोरेशन हो रही है, कुछ पता ही नहीं लग रहा कौन सा फंक्शन है। और रात हो चुकी है, और मेरे पड़ोस में फंक्शन है, तो आप लोगों को मैं इनवाइट कर रही हूँ, ठीक है। बेशक मुझे खुद नहीं पता कि कौन कैसा फंक्शन है, बट आप लोग भी आना, ठीक है। अभी टाइम हो गया है शाम के 9:33, और जो मैं से तैयार वगैरह हुई हुई है, मैं रील बनाने के लिए तैयार हुई थी, बट रील एक भी नहीं बनी, एक ही बनी, थोड़ी अच्छी नहीं बनी। फिर भी मैंने इतनी मेहनत करके मैं तैयार हुई, मैंने काजल लगाया, बिंदी भी लगाई, और मैंने एक टिमटिम वाली बिंदी भी लिया, देखो देखो देखो, और मैंने काजल भी लगाया था, बढ़िया लिपस्टिक भी लगाया इतना ज़्यादा। तो जो आज आज मैं, हाँ ये बात मैं बताना भूल गई, एक कन्फ्यूजन थी वो भी दूर होगी। मतलब हम सोच रहे थे जो ये डेकोरेशन हुई है क्यों हुई है, फिर हम शॉप गए थे तो हमने भैया से पूछी है कि भैया कुछ फंक्शन है यहाँ पर क्या है, तो भैया ने बताया कोई फंक्शन वगैरह कुछ भी, शादी वगैरह कुछ नहीं हो रही है यहाँ पर, भागवत हो रही है, तो जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया है, अब कुछ भी फंक्शन नहीं है, मतलब भागवत होगी, भागवत में ऐसे ही पाठ वगैरह पढ़ते हैं, ऐसा कुछ होता है, ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। तो अभी हमने खाने में बनाया आज राजमा चावल, तो अब मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले तो भूख नहीं थी, पहले हम पहले खाना खाने वाले थे तो भूख नहीं थी, तो फिर मैं सोचा तक मैं रील्स बनाती हूँ, रील्स भी ऐसी थोड़ी बहुत ही बनाई, थोड़ी बहुत क्या, एक ही बनी, बाकी तो अच्छी नहीं बनी। तो मैं खाना खाती हूँ और इस वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी फिर कल एक अच्छी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे को ना इयर रिंग्स ऐसे ऐसे करने में बहुत मज़ा आ रहा है, और इतने अच्छे लग रहे हैं मेरे पास, ऐसे हो गया, बाय।